आइए जानते हैं मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके बारे में देखते हैं। आपको पता ही है मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो गार्डन पी पे पाइसम सेटाइवम पे किया, उद्यान मटर पर। इसकी फैमिली फैबेसी पेपेलियनिसी है। क्रोमोजोम इसमें 14 होते हैं जो पहले बता चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने हॉकवीड हॉकवीड पर भी, इन्होंने हायरेसियम भी है, हॉकवीड हायरेसियम पर इन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन मेंडल इसमें फेल हो गए थे क्योंकि ड्यू टू एपोमिक्सिस, क्योंकि जो हायरेसियम प्लांट है ये प्लांट वाज एपोमिक्टिक, ये एपोमिक्टिक प्लांट था। और इन्होंने बीन्स पर भी प्रयोग किए, इसमें भी ये फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के कारण, इसमें फेल हो गए थे, ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल हैं ये 1900 में कार्ल कोरेंस के द्वारा, सैनमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा, सैनमार्क ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा इनके द्वारा रीडिस्कवरी की गई। कार्ल कोरेंस ने तो कॉर्न प्लांट पर, मक्का कॉर्न प्लांट पर प्रयोग किए, सैरमैक ने पी प्लांट पर प्रयोग किए, ह्यूगो डी ब्रिज ने विभिन्न प्रकार के विभिन्न पौधों पर उन्होंने प्रयोग किए। अब जो जो सिलेक्टेड करेक्टर्स है ना, मतलब जो करेक्टर कौन कौन से लिए थे मेंडल ने उनके बारे में जानते हैं। पहले तो अपन देखते हैं ये ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग वंश क्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक, यानी कई पीढ़ियों तक सौ परागण सेल्फ पोलिनेशन के फलस्वरूप स्थाई ट्रेट प्रदर्शित करता हो, स्थाई लक्षण प्रदर्शित करता हो। कई पीढ़ियों तक भी सौ परागण करवाते हैं अपन, और उसके फलस्वरूप वो स्थाई ट्रेट स्थाई लक्षण प्रदर्शित करता हो, इसे ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने मटर की ये 14 किस्मों को छांटा था, अर्थात इन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को इन्होंने लिया था। अब जो करेक्टर कौन कौन से उनके बारे में अपन देखते हैं। पहला तो सीड शेप, बीज की आकृति डोमिनेंट है इसमें, राउंड और रिसेसिव है, अप्रभावी है रिंकल्ड, ठीक है, गोल और झुर्रीदार सीड की शेप है, आकृति गोल और झुर्रीदार, सीड का कलर, बीज का रंग येलो और ग्रीन, येलो यहां पे प्रभावी और ग्रीन अप्रभावी, पीला और हरा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने पॉड मतलब फली की आकृति, पॉड शेप और पॉड कलर। अब ये पॉड शेप में इनफ्लेटेड मतलब फुली हुई जो आकृति है ना, उसकी फली की आकृति, जो इसका फल है, फली की आकृति फुली हुई इनफ्लेटेड और मुरझाई हुई या सिकुड़ी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचकी हुई फली होती है ना, कहीं तो फुली हुई पॉड जो फली है मटर की फली आप देखते हो जिसमें दाने होते हैं, वो एक तो फुली हुई होती है इन्फ्लेटेड, और दूसरा वो ये डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है, प्रभावी है इन्फ्लेटेड फुली हुई, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है जो पिचकी हुई सी वो होता है अप्रभावी। अब पॉड का कलर, फली का रंग ग्रीन है डोमिनेंट और येलो रिसेसिव है अप्रभावी। फ्लोर मतलब इसका फूल की स्थिति, फूल की पोजीशन कैसी है, फ्लावर की पोजीशन एक्जियल है, ठीक है, एक्जियल मतलब प्रभावी है वो, इसे अक्षीय बोलेंगे, अक्षीय, ठीक है, और एक है एक्सियल है ये प्रभावी, और टर्माइनल, टर्माइनल मतलब जो अंतस्थ पे है टर्मिनल पे, ये अप्रभावी है, इसमें अक्षीय प्रभावी रहता है, ठीक है, पोजीशन फ्लोर की पोजीशन है प्रभावी कौन सी, अक्षीय अक्षियल। कलर, फ्लोर का कलर या फ्लोर का कलर है इसमें वॉयलेट बैंगनी प्रभावी और अप्रभावी सफ़ेद वाइट। दूसरा सातवां नेक्स्ट करेक्टर है हाइट, टाल और ड्वार्फ, लंबा
एंड बोना कल बोना है जो इसमें बोनेपन का गुण अप्रभावी। अब जो ये एस ब्लिक्स्ट हैं, इन्होंने जो पी का कैरियोटाइप कैरियोटाइप ऑफ पी फॉर्म बाय एस ब्लिक्स्ट, इन्होंने जो इसके क्रोमोजोम की स्टडी की थी, ठीक है। अब ये जो सीड शेप है ना, ये अभी बताया आपको कि जो इसमें 14 क्रोमोजोम होते हैं टोटल, जो सात करेक्टर है ना, ये सात लक्षण है, ये प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोजोम पर, ये 4 विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। पहला सीड का कलर, जो सीड कलर का जीन है, फ्लोर कलर का जीन है, वो है क्रोमोजोम नंबर 1 पर। फ्लोर कलर, सीड कलर, इसका जीन क्रोमोजोम नंबर 1 पर उपस्थित है। हाइट, इस मटर के पौधे की हाइट और फ्लोवर की पोजीशन, फूल की स्थिति और पॉड शेप, फली की आकृति, ये तीनों क्रोमोजोम नंबर 4 पर स्थित हैं। आगे नेक्स्ट, पॉड कलर, फली का रंग और सीड शेप, बीज की आकृति, पॉड कलर है 5 नंबर क्रोमोजोम पर, पॉड कलर का जीन, फली का रंग का जीन स्थित है 5वें क्रोमोजोम पर। सीड शेप बीज की आकृति का, बीज की आकृति है ये 7वें नंबर क्रोमोजोम पर है। और जो 2, 3, 6 नंबर के जो क्रोमोजोम है, इस पे मेंडेलियन जो करेक्टर हैं वो नॉट फाउंड, वो पाए नहीं गए इन पे मेंडेलियन करेक्टर।